हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपकी बुक है उसका पहला लेसन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। और पहला लेसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है फ्रेसेस। ठीक है, क्लॉजेज एंड फ्रेसेस जैसे होता है ना, उसके उसमें चैप्टर आज आपका दिया गया फ्रेसेस। इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पहले हम बुक की मदद से ही आपको समझा देते हैं फ्रेस क्या होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सेंटेंस में नाउन की तरीके से, एडजेक्टिव की तरीके से और एडवर्ब की तरीके से काम करता है। इट डजंट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। अंडरलाइन आप इसे कर लें, जिससे कि आप इसको इसमें और क्लॉज में समझ में आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट डजंट कंटेन अ फाइनाइट। फाइनाइट मैंने होता है निश्चित क्रिया, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, वो वाली वर्ब नहीं होती है। लेकिन ये इसमें वर्ब कैसी लग सकती है? इसमें आपकी इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका पार्टिसिपल आ गया। पार्टिसिपल भी तीन तरीके के होते हैं, वो आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, आपको क्लियर होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और आपके अलावा इसके अलावा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का फॉर्मूला भी होता है, वो होता है 2 + v1 = इन्फिनिटिव। और नंबर थर्ड आ गया आपका जीरंड। जीरंड क्या होता है? ऑफ प्लस ing को हम फॉर्मूला के तौर पे समझें तो ये जीरंड होता है, यानी कि कहीं पे भी इन सब के साथ में कहीं पे भी डू डज इज आरम में ये बातें नहीं बताई मैंने आपको। इन चीज़ों की मदद से वर्ब को रखा जाता है। इन इट्सेल्फ कैन नॉट मेक अ कम्प्लीट सेंस। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी हम बात करेंगे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड ज़रूर है लेकिन ये कम्प्लीट सेंस नहीं देता, सिर्फ फूटा फूटा अर्थ निकल के आता है। इतना समझ में आता है कि हाँ, ये इस चीज़ से संबंधित हो सकता है, बट इट डजंट गिव एनी प्रॉपर और कम्प्लीट सेंस। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात करें। एग्जाम्पल देखिए, द बिजनेस मैन वॉज मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ पे समझाए गए हैं फ्रेज। ठीक है, ऑफ ग्रेट वेल्थ, अगर ये तीन वर्ड्स उठा के इसको इससे अलग कर दिया जाए तो क्या ऑफ ग्रेट वेल्थ आपको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऑफ ग्रेट वेल्थ ये हमें एक बड़ी वेल्थ के बारे में बता रहे हैं, एक अच्छी खासी धन संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब तक हम इसके साथ में ये मेन पार्ट अटैच नहीं करेंगे, तब तक ये कम्प्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखिए आप, ही इज़ अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। वो जो यंग मैन है, ग्रेट प्रॉमिस यानी कि वो एक प्रोमिनेंट पर्सन है। प्रोमिनेंट का मतलब वैसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉमिसिंग कह सकते हैं हम यहाँ पे। प्रॉमिसिंग का मतलब है जो अपने वादे को पूरा करे, ठीक है, जो कमिटमेंट्स हैं उनको निभाए, उसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे एक क्वालिटी यहाँ पे डिफाइन की जा रही है। इसी तरीके से बिजनेसमैन के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि वो एक वेल्दी पर्सन है। ऑफ ग्रेट वेल्थ मतलब अच्छा खासा रिच पर्सन है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि वो जो यंग मैन है वो एक प्रॉमिसिंग कैरेक्टर है, अपने आप में अपनी बात को पूरा करने वाला है। इसी तरीके से इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अभी कोई पर्टिकुलरली कोई सीन है जो कि उसकी ब्यूटी को यहाँ पर डिफाइन उससे किया गया है। आई शॉट एन एरो इन टू द एयर, मैंने हवा में तीर मारा, यानी कि इन टू द एयर। खाली अगर आप इन कलर्ड वर्ड्स को कहीं पे अलग लिखेंगे तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन थोड़ा सा सेंस निकल गया आएगा। वो हम अपनी तरफ से लगा दें तो क्लियर होगा, वैसे क्लियर नहीं हो सकता। देखिए, द ग्रुप्स ऑफ कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर फ्रेजेस। यही सारे के सारे कलर्ड वर्ड्स जो हैं ये फ्रेजेस कहलाए गए हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता और कोई भी प्रेडिकेट नहीं होता, ना कि मतलब ना तो कोई हेड है और ना ही कोई टेल है। ठीक है, हेड एंड टेल के विदाउट आप समझ सकते हैं बॉडी, हेड और टेल के बिना कैसे हो सकती है? तो आप समझ लीजिए कि कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अब हम कह रहे हैं कि जिन फ्रेजेस की हम बात कर रहे हैं, जिन टूटे फूटे टुकड़ों की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दे हैव थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। समझ गए ना आप? इसमें एक फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं होती, इनफाइनाइट वर्ब यूज़ होती है। इनफाइनाइट वर्ब हो गया आपका पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड की मदद से इसको समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें फाइनाइट वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा। अब हम बता रहे हैं थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका नाउन फ्रेज। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, शी लव्स टू पेंट पिक्चर, उसको पिक्चर्स पेंट करना पसंद है। दूसरा देखिए, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। टू नो वन सेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, अपने आप को समझ पाना मुश्किल बात है। राइडिंग अ हॉर्स इज नॉट ईजी, हॉर्स राइड करना ईजी नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? शी लव्स टू पेंट पिक्चर, तो जब ये लिखा हुआ है ये एक आंसर है। जब आप इस आंसर को अपने ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे
तो जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो वॉट में आना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इसको जब इसको पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, अ नाउन फ्रेज आंसर द क्वेश्चन, ये जो आंसर्स लिखे हैं आप इसका क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन अगर व्हाट का सेंस दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि हम नाउन फ्रेज के बारे में बात करें। कैसे समझिए, देखिए शी लव्स टू पेंट पिक्चर, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डज शी लव टू पेंट, उसको क्या पेंट करना पसंद है, क्या क्वेश्चन में क्या आ गया, क्या आ गया, ठीक है। आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्वेश्चन क्या बनता है, मुझे क्या पसंद है, आंसर क्या हो गया, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। राइडिंग अ हॉर्स इज़ नॉट ईजी, क्या ईजी नहीं है, हॉर्स राइडिंग इज़ नॉट ईजी, इज़ दिस क्लियर टू यू। तो ये इसको आप अच्छे से अपने आप पढ़ेंगे और जब इन आंसर्स का क्वेश्चन व्हाट सेंस दे तो आप समझ लीजिए नाउन क्लॉज है। ये आपको एक फॉर्मूला है, टेक्निक है, जिसके थ्रू आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। अभी आप नाउन यानी कि आप व्हाट ही को समझ लीजिए, धीरे धीरे करके समझिए, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। द कलर्ड फ्रेज इन द अबव सेंटेंसेस आर यूज्ड एज नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू द वर्ब्स, दे आर देयरफॉर कॉल्ड नाउन फ्रेज। अब आप देखिए, अब आपको ये वर्क क्या है इसमें, देखिए ये जो दिया हुआ है ना, पिक आउट द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दीज देयर आर 10 सेंटेंसेस, आपको इसमें से नाउन फ्रेज फाइंड आउट करना है, उसको अंडरलाइन करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।